नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है। कल है शुक्रवार, यानी कि 22 जून। 23 जून को शनिवार वाले दिन निर्जला एकादशी है। एकादशियों में इस एकादशी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, गंगा स्नान करना, दानपुण करना अच्छा होता है। बहुत सारी महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये व्रत 24 घंटे का रखा जाता है, जिसमें पानी नहीं पीते लेकिन पानी का दान करते हैं, और रखना भी चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी हालात और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आप 24 घंटे का व्रत ना भी रख पाएं तो पूरे दिन में 2 या 3 घंटे का व्रत रख लीजिए। जब आप जल ना पिए, कुछ खाएं पिए ना, चाय ना लें, और उसके बाद आप व्रत दान पुण करके मंदिर में कुछ चाय वाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, जो आप रखना चाहते हैं। कलयुग केवल है नाम उधारा ना, कलयुग में नाम का ही फल होता है। भगवान का नाम लेने से ही फल की प्राप्ति होती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, दान पुण जरूर करें। पंखे का दान, खरबूजे का दान, आम का दान, किसी ज़रूरतमंद बच्चे के स्कूल खुलने वाले हैं कॉपी किताबें दिलवा दीजिए, उसको प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म दिलवा दीजिए, स्टेशनरी दिलवा दीजिए, अच्छा काम कीजिए। दान पुण मंदिरों में जाकर करने की जगह पर अपने घर की मेड, गार्ड, प्रेस वाला, आपके घर के बाहर सफाई कर्मचारी, इनकी मदद कीजिए। खुश रहिए, औरों को भी खुश रहने दीजिए। निर्जला एकादशी के बाद गर्मियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है, और बारिशों के, सावन के, और जिसे कहते हैं बहुत करीब होते हैं हम बारिश के, जिससे कि बारिशें शुरू हो जाती हैं। अच्छे से दान पुण्य कीजिए। जब आप दान पुण्य करें तो गंगा स्नान कीजिए, भगवान को भोग लगाकर दान कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। घर में माँ अगर बीमार है तो उसकी सेवा पहले कीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए। फल का दान विशेषकर महत्व होता है, अन्न का दान विशेषकर महत्व होता है, और शादियों का भी समय चल रहा है। सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और छोटे छोटे बच्चे जिनका अब स्कूल खुलने वाला है जुलाई में, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना और खुश रहना। ऑल द बेस्ट।